हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिवेंज ऑफ लव का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 वीक बाद जंगकुक जो तांग उस दिन मनाने के लिए जाना चाहता था, पर उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से उसे कंट्री छोड़ना पड़ा था। पर जंगकुक एक बात नहीं भूला था, तांग को ब्लैकमेल करना, और वो तांग को ऑलरेडी ब्लैकमेल करके ही आया है कि तांग को उसे फिर से खुद को सर्व करना होगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। जंगकुक तांग के साथ फिर से पहले की तरह ही बनना चाहता है, क्योंकि वो तांग को इतनी शांत इजीली जाने नहीं दे सकता है। और इस वजह से जंगकुक तांग को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके जल में तांग फिर से फंस गया था, और उसके पास कोई भी रास्ता भी नहीं था। आज जंगकुक जो अपने कंट्री में वापस आ गया था, और वो तांग को तुरंत टेक्स्ट करके कह देता है कि वो उसके घर में आ जाए। ऐसे तो तांग के मन नहीं था, पर जंगकुक की वार्निंग की वजह से तांग को जो मजबूरन अब फिर से जंगकुक के घर की तरफ जाना पड़ रहा था। जंगकुक जो बहुत टाइम तक तांग के लिए वेट करता है, रात के 11 बज गया था पर तांग अब तक नहीं था, जिसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और गुस्से में क्या था, तुम सच में मेरी बातों को फॉलो नहीं करते हो ना, तो फिर मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें पनिश की ज़रूरत है। सिर्फ वेट करो, देखती हो कि कल कैसे तुम मेरे हाथ से बच जाते हो। रात के 11 बजे फाइनल जाकर तांग जो जंगकुक के मेंशन में वापस आ पाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक में पूरी तरह से अटक गया था, और उसके साथ उसे कोई कैब या तो टैक्सी भी नहीं मिल रहा था। जिस वजह से पहले तो उसे कैब छोड़ना पड़ा, और उसके बाद खुद से ही चल कर आना पड़ा, और इस वजह से वो पूरे 3 आवर लेट कर दिया है। जिस वजह से तांग शॉक था कि अब पता नहीं जंगकुक क्या करेगा, जंगकुक के उसके ऊपर नाराज हो जाएगा, और क्या उसके साथ कुछ भी गलत करने की भी कोशिश करेगा जैसा उसने वार्निंग दिया था। फिर तांग जब ऊपर जंगकुक के रूम की तरफ जा ही रहा था, तब एक सर्वेंट आकर तांग को रोक देता है। तब तांग कॉन्फ्यूज था, और उस सर्वेंट को कहता है, मिस क्या हुआ है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तब उस सर्वेंट कहता है, प्लीज़ अपना ऊपर मत जाइए। तब तांग कहता है, मैं क्यों नहीं जाऊँगी। तब वो सर्वेंट नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, हर टाइमिंग सही नहीं होता है, शायद आप हार्ट भी हो सकते हैं। तब ये सुनकर तांग फिर से कॉन्फ्यूज था, और कहते हैं, क्या बोल रहे हो। तब उस सर्वेंट कहते हैं, हाँ मैं सही कह रही हूँ, आप प्लीज़ घर में वापस जाइए, यह आपके लिए अच्छा होगा। तब तांग कहते हैं, पर जंगकुक ने मुझे बुलाया है, वो गुस्सा हो जाएगा, तुम अपने काम करो, मैं सब कुछ देख लूँगी। तब वो सर्वेंट जो फिर से कहते हैं, प्लीज़ सर मत जाइए। तब तांग कहते हैं, तुम अपने काम करो। और ही कहकर तांग एक सॉफ्टली स्माइल देता है, और उसके बाद ऊपर जंगकुक के रूम के पास चला जाता है। पर वो जब रूम को ओपन करने वाला था, तभी वो अंदर से किसी की मौन और जंगकुक की ग्राउंड की आवाज़ सुनता है। तब ये सुनकर तांग जो पूरी तरह से शॉक था, वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था कि सच में जंगकुक ये सब कुछ कर रहा है। जंगकुक उस दिन तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और अचानक से उसे ब्लैकमेल करना, और उसके बाद अब किसी और के साथ इंटीमेट होना, ये सब कुछ के उसकी प्लान था तांग को हार्ट करने की। जंगकुक क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों तांग की फीलिंग के साथ खेल रहा है। और तांग की आईज आंसू से पूरी तरह से भर जाता है, पर वो तुरंत ही उसे पूछ लेता है, और जल्दी से जो वहाँ से चला जाता है। तब वो सर्वेंट जो अभी भी नीचे ही था, वो सिर्फ होपलेसली तांग की तरफ देखने लगता है। फिर तांग जो सीधा अपने घर में चला गया था, घर में जाने के बाद वो जो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है, और रूम में जाकर वो एक पिलो को हक करके रोने लगता है। वो तब तक रोता है जब तक वो सो नहीं जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तांग की ग्रैंड माँ तांग को उठाने के लिए आ जाता है। तब तांग की ग्रैंड माँ तांग को सॉफ्टली कहता है, तांग प्लीज़ उठो। तब तांग सोलह सोलह अपना आइस को ओपन करता है, और उसका आइस को रब करते हुए कहते हैं, ग्रैंड माँ अपने क्यों मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी उठा दिया है। तब तांग की ग्रैंड माँ कहते हैं, क्योंकि तुम्हें अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करना होगा, तुम जानते हो तुम मॉर्निंग से ठीक ठाक से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हो, और वीक भी होने लगे हो, तुम्हें ठीक ठाक से खाना खाना होगा। तब तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर उसकी ग्रैंड माँ कहता है, तुम्हें सबसे ज़्यादा खुद के ख्याल रखना होगा, अगर खुद के ख्याल नहीं रखोगे तो फिर कैसा होगा, वर्क तुम बाद में भी कर सकते हो, पर पहले खुद के ख्याल रखो। और ये कहकर वो तांग के फोरहेड पर एक किस करता है, और वो जो नीचे चला जाता है। तब तांग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है। इवनिंग के टाइम पर जंगकुक तांग को कॉल करता है,
तब तांग कॉल को उठा लेता है और अपने काम भस में क्या है। तब जंगको क्या है, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें कल बुलाया था, क्यों नहीं आए थे? और जल्दी से अभी मेरे घर में आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब तांग क्या है, मैं नहीं आऊँगी, किस बात के लिए आऊँगी? तब जंगको क्या है, सच में तुम मेरी सिर्फ डार्क साइड देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेतबली से वेट करते हो ना? तब तांग कहता है, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम अपनी डार्क साइड दिखाओ या तो अदर साइड दिखाओ, मैं फिकर नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर जंगको खसते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं क्यों ना तुम्हारी वही सारे वीडियो क्लिप को मैं अब वायरल कर दूँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब तांग गुस्से से कहता है, तो फिर उस दिन क्या बातें कर रहे थे तुम्हारे पहले? तब जंगको कहता है, जस्ट मैं ऐसे ही सोच रहा था। तब ये सुनकर तांग की दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है। फिर वो जंगको को कहता है, जो मर्जी हो करो। तब जंगको कहता है, ठीक है, मैं करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर और उसके साथ तुम्हारी जो आयु है वो अगर देख लेगा तो फिर मैं श्योर हूँ तुम्हारी एक क्लोज तीनों पर्सन ही मरने के लिए जान से भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तो फिर अब जल्दी से सिर्फ आ जाओ। तब तांग कहता है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। तब जंगकुक स्मार करता है और कॉल को कट कर देता है। फिर तांग जो जंगकुक की मेंशन की तरफ चला जाता है, वो जब जंगकुक की मेंशन में पहुंचता है तब हॉल रूम में जंगकुक के लिए वेट करने लगता है। पर पूरे एक घंटे के अंदर भी जंगकुक नीचे नहीं आया था, पर अचानक से उसकी फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। तब तांग फ़ोन को उठा लेता है और कहता है, क्या हुआ है? तब जंगकुक कहता है, कहाँ पर हो तुम यू स्लट, जल्दी से मेरे रूम में आओ, तुम कहाँ पर गए हो? तब तांग कहता है, मैं हॉल रूम में हूँ। तब जंगकुक कहता है, हॉल रूम में क्या कर रहे हो, चुपचाप ऊपर आओ। तब तांग कहता है, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। तब जंगकुक कहता है, ओ रियली तुम ऊपर नहीं आओगे? तो फिर तुम चाहते हो मैं हॉल रूम में जाकर तुम्हें मेरे सारे सर्विन के सामने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँ? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप ऊपर आओ। तब तांग कहता है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और ऊपर जंगकुक के रूम के पास जाकर थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है कि कल ही जंगकुक यहाँ पर किसी और के साथ इंटीमेट हुआ था और अभी देखो फिर से उसे बुला रहा है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। फिर तांग सोले डोर को ओपन करता है और जब अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है जंगकुक सिर्फ बात क्लोथ में था। तब ये देखकर तांग सिर्फ उसकी तरफ ही घूमने लगता है। तब जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और तांग के क्लोज जाते हुए तुरंत उसके लिप्स को पकड़ लेता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उसे किस करते हुए। तब तांग किसका कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। तब जंगकुक तांग को किस करते हुए सीधा बेड पर लेकर जाता है और अपने हाथ सोली सोली तांग की शर्ट के नीचे स्लाइड करने लगता है, पर तांग तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक जो किस को ब्रेक करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम क्यों मेरे हाथ को पकड़ कर रखे हो? तब तांग कहते हैं, हम लोग इंटीमेट नहीं हो सकते हैं जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो, यहाँ पर मैं हार्ड हूँ और तुम कह रहे हो इंटीमेट नहीं हो सकते हैं, सच में तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो? तब तांग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, जंगकुक तुम क्या मेरी एक प्रॉमिस रखोगे? तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, यहाँ पर मैं तुम्हारी क्या सर्वेंट हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉमिस को रखूँगी? मैं तुम्हारी कौन होती हूँ, मुझे बोलो। तब तांग कहते हैं, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरी एक प्रॉमिस को रखोगे प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे डायरेक्टली बोलो। तब तांग कहते हैं, सिर्फ मेरी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा की ख्याल रखना और ये मत कहना कि तुम दया दिखा रहे हो, वरना वो तुमसे कोई भी हेल्प नहीं लेगा। प्लीज़ सिर्फ एक कह देना कि मैं अदर कंट्री में हूँ, प्लीज़ तुम मेरी ये प्रॉमिस को रखोगे ना? तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बीमार तो नहीं हो ना? तब तांग अपने इमोशनल लेस फेस के साथ कहते हैं, तुमसे क्या मतलब? तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, यू फूल, मुझसे क्या मतलब? तुम जानते भी हो इससे मैं भी बीमार बन सकती हूँ और तुम यहाँ पर बीमार होकर मुझे ये सारे बातें कह रहे हो, तुम ये सारे बातें कैसे कह सकते हो, बोलो कब से बीमार हो तुम? तब ये सुनकर तांग मुझे एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने धीमी आवाज में कहता है, ऑब्वियसली मैं बीमार हूँ और शांत हूँ कि जिसके साथ बीमार हूँ और ये बीमारी का रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तब ये सुनकर
जंगकुक शॉक था कि तंग अचानक से ऐसी बातें क्यों कह रहा है। क्या बीमारी का रीजन जंगकुक है? तब तंग जो जंगकुक की तरफ देखता है और स्मार करते हुए कहता है कि वो अब ढूंढ नहीं पा रहे हो ना कि मैं किस बात के लिए बीमार हूँ। तो फिर सुन लो चियोन जंगकुक, तुम जब वन वीक पहले यहाँ से चले गए थे तभी मुझे पता चला था मैं तुम्हारी चाल के साथ प्रेग्नेंट हूँ, पर देखो। और उसके बाद तुम मुझे ब्लैकमेल करने लगे जबकि तुम उस दिन मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे तुम्हारे साथ रहने के लिए, पर फिर भी मैं मान गया क्योंकि मैं मेरी चाल को एक फैमिली के साथ बड़ा करना चाहती थी। पर मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाज हो और तुम्हें सिर्फ अपनी लाश चाहिए और कुछ भी तुम अपने लाइफ में नहीं चाहते हो। तो फिर अब क्यों मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र दिखा रहे हो? मुझे इस बात का आंसर करो चियोन जंगकुक, क्यों ऐसा कर रहे हो? और तुम क्या बोल रहे थे कि तुम वीडियो को वायरल करोगे ना? तो फिर करो, मैं फिक्र नहीं करती हूँ। अगर उसे करना चाहते हो तो फिर अभी करो। तुम कर नहीं सकते हो तो फिर मुझे दो, मैं कर दे रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब मेरी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो गया है। मैं चाहकर भी अब इसे छुपा कर नहीं रख सकती हूँ। तो फिर जाओ और जाकर जिसे जो भी चीज़ दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। मेरी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा मुझे समझ सकता है और वो लोग ज़रूर खुद को स्ट्रांग बनाएगा, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तुम्हारी फ़ोन कहाँ पर है? मुझे दो, मैं उसे वायरल करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ फ्रेश था, वो तंग के बाकी की बातों को नहीं सुन पा रहा था क्योंकि अभी सिर्फ उसके माइंड में एक ही बात बार बार गूंज रहा था, वो था तंग उसकी बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तब जंगकुक अचानक से गुस्से से कहते हैं, तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ कह रहे हो क्योंकि तुम मेरी पीठ पीछे के और के साथ थे। मुझे बोलो ये सच है ना? और तुम जब जानते हो कि तुम मेरे साथ और लाइफ में आगे जाकर नहीं रह पाओगे क्योंकि मैं तुमसे सेटिस्फाइड हो जाऊंगी और इसी वजह से तुम अब किसी और के साथ रहना चाहते हो। तब ये सुनकर तंग गुस्से से क्या है, मेरे ऊपर से उठो जीवन जंगकुक, तुम ही सिर्फ इस सारे घिनौने थॉट रख सकते हो, मैं तुम्हारे जैसे इंसान नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तब जंगकुक गुस्से से क्या है, क्या पता है मुझे बोलो। तब तंग कहते हैं, क्या पता नहीं है, मैं क्या वो बोलूँ? तुम कल किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे थे, यह झूठ था, तो फिर मुझे यहाँ पर बुलाए क्यों? मुझे इस बात के भी आंसर करो, तुम सिर्फ मुझे हर्ट करना चाहते हो, अब सेटिस्फाइड फील कर रहे हो मुझे हर्ट करके? मैं जानती हूँ सबके एक नीड रहता है और वो पूरा हो जाता है टाइम के साथ, और तुम्हारा भी पूरा हो गया है मेरे साथ, तो फिर अब मुझे जाने दो। और ये कहकर तंग जंगकुक को फोर्सफुली अपने ऊपर से उठा देता है और वो जो जल्दी से उठकर जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो अभी भी पूरी तरह से शॉक था, क्या सच में तंग जो भी कुछ कह रहा था वो सब कुछ क्या सच था या तो झूठ था? वो जानता है वो कल किसी और के साथ इंटीमेट हुआ था, पर वो खुद से भी जानता है वो थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं किया था, उसे कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि वो किसी और के साथ इंटीमेट हो भी रहा है या फिर नहीं, उसे भी अपनी गुस्सा निकल रहा था जो भी कुछ तंग के ऊपर उसकी था, जो भी कुछ उसकी टेंशन था वो सब कुछ सिर्फ उस इंसान के ऊपर निकाल रहा था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। पर तंग यहाँ पर आया था, जंगकुक को इस बारे में पता नहीं था, वो तंग को इस बारे में जानना भी नहीं देना चाहते थे, पर उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है और जंगकुक जानता है वो इस वीक में थोड़ा सा रूड बिहेव किया है, पर उसे लग रहा था वो अगर पहले की तरह बिहेव करेगा तो फिर तंग वापस आ जाएगा, तंग पहले की तरह ही उसके साथ रहेगा, ना कि वो सोचता था कि तंग उसे इस तरह से छोड़कर चला जाएगा वो भी उसकी धमकी ये सब कुछ इग्नोर करके। फिर जंगकुक तुरंत खुद को कहते हैं, नहीं मैं इस बार नहीं रोकूंगी, मुझे उसे मनाना होगा, मैं इस बार नहीं कर सकती हूँ, इस बार मेरी खुद के चाल के बारे में बातें हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे भी नहीं जाने दे सकती हूँ, मेरी चाल को भी नहीं जाने दे सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से अपने रूम से बाहर चला जाता है और दौड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, पर तंग जो ऑलरेडी वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया था। तब जंगकुक जो जल्दी से अपनी कार लेकर तंग के घर की तरफ जाने लगता है, तब वो जाकर देखता है तंग जो एक डेड बॉडी की तरह चलते हुए जा रहा था, वो भी खाली रोड से इस अंधेरे में, इससे जंगकुक को गुस्सा आ रहा था। फिर वो जल्दी से जाकर तंग के सामने अपनी कार को रोक देता है और जल्दी से कार से उतारते हुए
तंग के करीब जाने लगता है। तब तंग मुझे अपनी इमोशनल लिस्ट पे इसके साथ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक उसके हाथ को पकड़ तो है क्या है, अभी मेरे साथ चलो। तब तंग गुस्से से जंगकुक के हाथ को छुटाने की कोशिश करता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगी। तब जंगकुक कहता है मैं अभी कह रही हूँ चलो मेरे साथ। तब तंग कहता है मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी, तुम समझ नहीं पाते हो। तब जंगकुक कहता है प्लीज़ तंग मेरी बातों को सुनो। तब तंग कहता है मैं नहीं सुनना चाहते हो, तुम एक धोखाबाज हो, मैं तुम्हें उस दिन कहा था मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ और उसके बाद भी तुम ऐसे इस सब कुछ कैसे कर सकते हो, मुझे आंसर करो, मैं क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। तब जंगकुक कहते तुम मेरे लिए काफ़ी हो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसने लगता है और कहते हैं रेली मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तो फिर किसी और के साथ क्यों इंटीमेट हुए थे। तब जंगकुक कहते मैं सिर्फ गुस्से में थी और कुछ भी नहीं, और मैं जानती हूँ मैं गलत क्या हूँ, मैं खुद भी तुम्हें कहा था मैं खुद भी तुम्हारे लिए फील रखती हूँ और मैं ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से कर रहा था कि शायद तुम पहले की तरह मेरे पास आ जाओगे। अगर मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह बिहेव करने लगी, ओल्ड बन गया और पहले की तरह ही तुम्हारे साथ रूट बन गया, तब तुम फिर से मेरे पास रहोगे पहले की तरह। तब तुम गुस्से में कहते थे मैं सिर्फ दूर रहो यू झूठे इंसान। तब जंगकुक कहते मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तब तंग कहता है ऑब्वियसली तुम कह रहे हो। तब जंगकुक चीज भर रोने लगता है और कहते प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तब तंग कहते हैं तुम रोना भी सीख गए हो, मुझे नहीं पता था जियोन जंगकुक रोने की भी एक्टिंग कर सकता है सिर्फ मेरे साथ खुद की लास्ट को पूरा करने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तंग के हाथ को पकड़ते तो हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे एक सांस दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, मैं कल गुस्से में थी कि तुम नहीं आए हो, मैं थोड़ा सा टेंशन में भी थी और मैं ये सब कुछ सिर्फ निकालना चाहती थी। तब तंग गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं कौन अपनी गुस्सा निकालने के लिए किसी और के साथ इंटीमेट होता है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इसे देखने के बाद तंग कहते हैं अब तुम क्या बोलोगे, मुझे आंसर करो, कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर अब दफा हो जाओ। तब जंगकुक कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी, मेरी चाइल्ड की भी यहाँ पर बातें हो रहा है। तब तंग गुस्से से कहते हैं चाइल्ड कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था और ये किसी और की है। तब जंगकुक कहते हैं मैं तब भी गुस्से में थी, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं सब कुछ जानते हो तो फिर ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझे ऑलरेडी हार्ट किया हो, अब यहाँ से जाओ, तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ फेल बन रहा है, अब सिर्फ मेरे सामने से दफा हो जाओ। तब जंगकुक जो तंग को कहते प्लीज़ मुझे एक सांस दे दो, अगर मैं मेरी सांस को निभा नहीं पाती हूँ तब तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, पर एक सांस प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मुझे एक सांस देने के लिए जो मांगोगे मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ दूंगी, पर प्लीज़ मुझे सांस दो। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल लिस्ट पे इसके साथ ही देखने लगता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अगर तुम सच में सांस चाहते हो और तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें दूँ तो फिर तुम्हें मेरे लिए कभी भी किसी और के साथ मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ तुम किसी और के साथ सारा से भी क्लोज हो, यहाँ तक तो एक स्मॉल किस तक नहीं, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हें सांस दे सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो फिर मैं क्यों किसी और के साथ रहूँगी। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है अब तक तो मेरे साथ ही थे पर फिर भी क्या होना। तब जंगकुक कहते हैं मैं दोबारा नहीं करूँगी। तब तंग कहते हैं अगर कभी भी इस तरह के बकवास गुस्सा आ जाए तब मेरे ऊपर निकालना, किसी और के ऊपर नहीं। तब जंगकुक कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर भी नहीं निकालूँगी, मैं किसी के ऊपर भी नहीं निकालूँगी। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहते हैं मैं देखूंगी, और ये कहकर तंग जो जंगकुक के हाथ से अपने हाथ को छुटाने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं तुम मुझे चांस दिया हो ना। तब तंग कहते हैं हाँ मैं दिया हो, पर मैं जैसा कहा था याद रखना। तब जंगकुक कहते हैं हाँ मैं ज़रूर रखूंगी, मैं मेरी होल लाइफ तक इसे निभाऊंगी, और अगर मैं नहीं निभा पाती हूँ तब तुम मेरी जान भी ले सकते हो, पर मैं तुम्हें इस लाइफ में तो कभी भी धोखा नहीं दूंगी। तब ये सुनकर तंग सिर्फ स्मार्ट करता है पर वो कुछ भी कहता नहीं है। तब जंगकुक जो अपनी जगह से उठ जाता है और
उठकर उतांग को अपनी करीब खींच लेता है। तब तांग कुछ भी नहीं कहता है। तब चंगुक अपनी धीमी आवाज में कहता है, मैं क्या एक पिक कर सकती हूँ मुझे सांस लेने की खुशी में। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है। तब चंगुक तांग के लिप्स पर एक पिक करता है और कहते हैं, थैंक यू सो मच, मैं मेरी सांस को निभाऊंगी और मैम मेरी प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ूंगी। तब तांग कहता है, देखा जाएगा। तब चंगुक कहते हैं, हाँ जरूर देखना। तब ये सुनकर तांग सिर्फ मुँह कह देता है। 5 ईयर बाद जंगकुक जो आज एक और फंक्शन में जाने वाला था और जानता है कि आज सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मैस होने वाला है, या तो उन लोगों के लिए खुशी की बात भी है क्योंकि आज फाइनली जंगकुक अपनी फैमिली को पब्लिश करने वाला है। बस इस बारे में शुरुआत से सब लोग जानना चाहता था पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। फिर जंगकुक जब आवर फंक्शन में पहुँचता है तब सारे मीडिया के लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ था और जंगकुक के हाथ को जो 4 ईयर की एक बेबी ने पकड़ कर रखा था उसकी तरफ भी था। तब कुछ रिपोर्टर जो जल्दी से जंगकुक के पास आ जाता है और वो आने के बाद तुरंत जो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है और एक रिपोर्टर क्या था, तो फिर मिस्टर जोन जंगकुक, ये क्या आपके सन भी है? तब जंगकुक तुरंत क्या था, हाँ वो मेरी सन है। तब ये सुनकर वो रिपोर्टर क्या थे, तो फिर उसकी मॉम कौन है? आज तक इसके बारे में हम लोग जान नहीं पाए हैं, इसके रीज़न क्या है? तब जंगकुक क्या थे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मैं मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड को सबको दिखाऊं। तब ये सुनकर सब लोग जो पूरी तरह से शौक हो गया था, वो लोग कभी भी नहीं जानता था कि जंगकुक एक बॉय से शादी क्या है, वो लोग सोचा था वो एक गर्ल होगा, पर वो लोग जो पूरी तरह से शौक था। तब एक रिपोर्टर कहते हैं, पर मिस्टर जोन तो फिर आप क्या अब एक गे है? तब जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं पता। तब ये सुनकर रिपोर्टर फिर से कॉन्फ्यूज हो गया था। तब वो पर्सन कहते हैं, तो फिर आपकी सेक्सुअलिटी क्या है? तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहते हैं, मेरी हस्बैंड है। तब ये सुनकर रिपोर्टर फिर से कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्या आपके हस्बैंड इस तरह के कैसे होता है? तब जंगकुक कहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए फील रखती हूँ और किसी के लिए भी नहीं, तो फिर ऑब्वियसली बात है मेरी सेक्सुअलिटी सिर्फ और सिर्फ वो है, वरना मैं कभी भी किसी और के लिए फील भी नहीं रखती हूँ। मुझे किसी और की तरफ देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं शांति हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान के लिए पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ और मैं उसके साथ ऐसे ही बनकर रहना चाहती हूँ, मैं मेरी होल लाइफ उसके साथ ऐसे ही बिताना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तुरंत और एक रिपोर्टर कहते हैं, पर सर सबके डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपकी भी शायद ख़त्म हो जाए और आपको भी लाइफ में किसी और के साथ मिलने के शायद चांस मिल जाए। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं ऑलरेडी जानती हूँ मेरी 23 सेक्सुअलिटी है और मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर वो कभी भी मुझे भूल भी जाता है तब भी मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ, मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ रहने के बारे में मेरी लाइफ में भी नहीं सोच सकती हूँ। तब ये सुनकर सब लोग जो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कुछ कुछ लोग अपने मन में सोचने लगता है, कोई इतनी ज़्यादा क्रेजी तरीके से कैसे प्यार में पड़ सकता है? जब भी कोई शादी कर लेता है तब शादी के बाद सब लोग सिर्फ धोखा ही देना चाहते हैं, पर यहाँ पर जंगकुक अभी भी बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। तब और एक रिपोर्टर कहते हैं, तो फिर मिस्टर जीवन जंगकुक, आपके हस्बैंड के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? तब जंगकुक कहते हैं, वो एक परफेक्ट हस्बैंड है। तब ये सुनकर और एक रिपोर्टर कहते हैं, अगर वो परफेक्ट हस्बैंड है तो फिर आप क्यों उसे सबके सामने नहीं लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इसके मतलब हम लोग क्या समझ लें कि वो आपके साथ आप नहीं हैं, वो क्या आपको धोखा दिया है? तब जंगकुक कहते हैं, अगर वो मुझे धोखा देता तो फिर मैं शायद उसके बारे में बातें करना भी पसंद नहीं करता, आई एम राइट? तब ये सुनकर वो रिपोर्टर चुप हो जाता है। तब और एक कहते हैं, पर मिस्टर जियोन, मुझे लगता है आपके हस्बैंड शायद अगले भी हो सकता है, इस वजह से आप उसे दिखा नहीं रहे हैं। तब ये सुनकर जंगकुक जो खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है और हंसते हुए कहता है, हाँ शायद हो सकता है अगर कुछ लोगों की नज़र ठीक नहीं है, वरना मैं 100% से कह सकती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए करोड़ों लड़की ऑलरेडी मर रहा है। तब ये सुनकर रिपोर्टर जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और वो लोग अपने मन में सोचने लगता है
तो फिर वो क्या कोई सेलिब्रिटी है कि उसके ऊपर करोड़ों लड़की मर रहा है? तब एक रिपोर्टर एक क्वेश्चन को पूछ लेता है और कहते हैं, तो फिर वो क्या कोई सेलिब्रिटी है? तब जंगो कहते हैं, सेलिब्रिटी तो है पर अब तक सीक्रेट है। तब ये सुनकर फिर से जो सब लोग शौक था। फिर अचानक से ही एक रिपोर्टर जो जंगुक से पूछता है, तो फिर अब जो मिस आयु के साथ शादी करने वाले थे उसके बाद ही क्या ऐसा हुआ है? मिस आयु, आपसे जो भी कुछ छीना है, आप उसके बाद क्या फील कर रहे थे? आपको क्या तब लगा भी था कि आप लाइफ में किसी और से शादी करेंगे और उसके साथ आप एक फैमिली भी स्टार्ट करेंगे? आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप सारे गर्ल्स के दिल को तोड़ दिया है सिर्फ एक बॉय को चूज करके? आप जानते हैं आपके लिए कितनी ज़्यादा गर्ल्स क्रेजी है। तब ये सुनकर जंगुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, मैं जैसा कहा था, फीलिंग अपने हाथ में नहीं रहता है और मैं ऑलरेडी कह दिया हूँ मेरी 23 सेक्सुअलिटी है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता मुझे अब इस सारे बकवास करने की ज़रूरत भी है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फालतू की क्वेश्चन है। तब ये सुनकर सारे रिपोर्टर जो फिर से जंगुक से कुछ पूछ नहीं वाला था, तब जंगुक कहते हैं, अब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मेरे सन भी टायर्ड हो रहा है सिर्फ सब लोगों की ये सारे बकवास क्वेश्चन सुनकर। अरे क्या कर, जंगुक जल्दी से अपने सन को लेकर जल्दी से वो जो आउट फंक्शन के अंदर चला जाता है और वो एक सीट पर बैठ कर जो अपने सन को अपने पास से बैठा कर रखता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जो तैंग भी आकर जंगुक के पास बैठ जाता है। तब जंगुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो तैंग को कहते हैं, फाइनली तुम आ गए हो। तब तैंग जंगुक की तरफ देखता है और वो सिर्फ हाँ अपने सिर हिलाता है क्योंकि वो मास्क से अपने फेस को कवर करके रखा था। तब भीम जो तैंग के करीब जाने वाला था पर जंगुक उसके हाथ को पकड़ते ही कहते हैं, शांत रहो, तुम अभी अपनी मॉम के पास नहीं जा सकते हो। तब ये सुनकर तैंग जंगुक को कहते हैं, जंगुक प्लीज अब हम लोग बाहर है, उसे मॉम कहने के लिए मत कहो। तब जंगुक जो स्मार करते हुए कहते हैं, पर तुम हो। तब तैंग कहते हैं, पर मैं कहा था ना बाहर नहीं, वो घर में जितनी ज़्यादा कहना चाहता है उतनी ज़्यादा कह सकता है पर बाहर नहीं, प्लीज़ जंगुक तुम ऐसा मत सिखाओ उसे। तब जंगुक कहता है, मैं क्या गलत सिखा रही हूँ तुम्हें भी? तब भी तुरंत नाम अपने सिर हिला देता है और अपनी बनी स्माइल के साथ कहते हैं, डैड ने तो सही कहा है। तब तैंग कहता है, तुम दोनों कभी भी नहीं सुधरोगे। तब जंगुक जो स्माइल करता है और कहते हैं, ऑब्वियसली नहीं सुधरेंगे। तब तैंग कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो। तब जंगुक कहते हैं, और भी ज़्यादा बुरा बन सकती हूँ, सिर्फ घर में चलो। तब तैंग कहते हैं, यहाँ पर हमारी सन है। तब जंगुक कहते हैं, जैसे मैं प्यार करती हूँ और ऐसा तो नहीं है कि वो आगे भी जाकर खुद भी इनोसेंट रहेगा, उसे कुछ सीखना चाहिए और शायद मेरी बातों से कुछ सीख जाए। तब ये सुनकर तैंग के मन कर रहा था कि उस जाकर जंगुक के जस पर एक स्लैप मारेगा पर वो चुप था क्योंकि वो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर कुछ देर बाद ही और दिन स्टार्ट हो जाता है। तब शी जियोंग जो माइक को अपने हाथ में लेते हुए स्टेज पर से अनाउंस करते हुए कहता है, 2023 के यंगेस्ट सक्सेस बिजनेसमैन की अवार्ड जिसे जाता है वो जियोंग जंगुक को भी हरा दिया है जो 5 ईयर से कभी भी नहीं कर पाए हैं, जिसमें वो जियोंग जंगुक से एज में भी छोटा होकर मिस्टर जियोंग से भी अब आगे चला गया है और मैं होप करती हूँ कि आगे चलकर भी वो मिस्टर जियोंग की तरह ही अपनी जगह को टिका कर रखेगा। तब ये सुनकर जंगुक जो प्राउड फील कर रहा था ना कि तैंग उसे इस बार हरा दिया है, इस वजह से जंगुक को दुख हो रहा था। तब शी जी होंग जो फिर से कहते हैं, और ये अवार्ड जिसे जा रहा है उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है सिर्फ उसके आइस के अलावा, पर फिर भी उसने सब कुछ कर दिखाया है कि फिर से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना चाहिए और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करके सिर्फ खुद को सक्सेस करना चाहिए और उसने कर दिखाया है। मैं बातें कर रही हूँ मिस्टर तैंग की, तो फिर मिस्टर तैंग प्लीज़ आप क्या आ सकते हैं? तब ये सुनकर तैंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है। तब सारे कैमरे की नज़र सिर्फ तैंग की तरफ था। तब वी जो चिल्ला रहा था और तैंग को शेयर करने के लिए जो ऑलमोस्ट मॉम कहकर चिल्ला नहीं वाला था, पर जंगुक जो तुरंत उसकी माउथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है और उसके सिर पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं, डैड और अब नहीं। तब ये सुनकर
वीर जो तुरंत ही खुद को कंसोल करता है और वो जो ठीक ठाक से बैठा रहता है, तब तंग अपने सीट से उठता है और जंगुक और वीर की तरफ देखता है। फिर जंगुक जो हमें अपने सिर हिला देता है, तब तंग जो जल्दी से डेस्क की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जाने के बाद शी जी होंग जो तंग को आवाज देता है और उसे कहता है कुछ कहना चाहते हो, तब तंग हमें अपने सिर हिलाता है और माइक को ले लेता है। और उसके बाद वो जो सोले सोले अपने फेस से अपने मास्क को हटा देता है। तब सब लोग सिर्फ तंग की तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक जलस फील कर रहा था कि कैसे सब लोग तंग की तरफ देख रहा है। तब तंग जो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरे इतनी टाइम से साथ रहने के लिए। मैं कभी भी होप भी नहीं कर सकती थी कि मैं इतनी दूर आ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए जो क्या हो, वो शायद मेरे लिए कोई और नहीं करता। तुम मुझे हर वक्त सपोर्ट किया हो, मेरी हर एक वो टाइम पर सपोर्ट किया हो जिस टाइम पर मुझे सच में ज़रूरत था। मैं सच में लाइफ में बिजी हो गई थी, पर तुम मुझे हर वक्त मोटिवेट किया हो, मुझे अपनी वर्क करने दिया हो, मेरी हर एक बिजनेस मोमेंट को तुम कम करने की हर तरह से कोशिश किया हो, हमारी शाल की देखभाल किया हो जिस टाइम पर मुझे ज़्यादा करना चाहिए था, पर तुम हर एक चीज किया हो। थैंक यू सो मच जीवन जंगकुक मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे शादी करने के लिए और अब मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस होने में हर तरह से हेल्प करने के लिए भी। तब यह सुनकर जंगकुक की फेस पर एक प्राउडली स्माइल आ जाता है, पर सारे गर्ल्स की फेस एकदम से शॉक में बदल जाता है। सब लोग एकदम से चुप हो जाता है, एकदम सब कुछ सिर्फ शांत लग रहा था। तब तंग फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरी सक्सेस होने के पीछे की रीज़न मेरी हस्बैंड और मेरे सन है। प्लीज़ मैं चाहूँगी तुम लोग यहाँ पर रहो, क्योंकि तुम दोनों ही मेरी सक्सेस के मेन रीज़न थे। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। तब वीर जो खुद भी स्माइल करते हुए कहता है, डैड मॉम बुला रहा है। तब जंगकुक जो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर स्टेज के ऊपर चला जाता है। तब तंग सिर्फ स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा जलस भी था और वो सबको दिखाना भी चाहता है कि इतने टाइम से जो भी सब लोग तंग के बारे में बुरा बोल रहा था, अब शायद सबको आंसर देने के टाइम आ गया है। और इस वजह से ओम जो तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके वो उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए सबके सामने उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और उसे सक और लिक करने लगता है। तब तंग भी सेम ही कर रहा था। तब सब लोग जो सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था, पर कुछ लोग की नज़र अभी भी जंगकुक और तंग की तरफ था जो लोग इसे शूट कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद किस ब्रेक करते हुए तंग स्माइल करते हुए क्या था इनफ अभी। तब जंगकुक क्या था, पर मैं जिला हूँ और इस वजह से मैं सबको दिखा रही हूँ कि तुम मेरा हो। तब तंग इस सुनकर सिर्फ स्माइल करता है। तब जंगकुक जो तंग के हाथ से माइक को ले लेता है और वो इस बार प्राउडली स्माइल के साथ कहते हैं, यही है मेरी हस्बैंड किम तंग जिसके साथ मैं पूरे 5 ईयर्स से हूँ और हम दोनों अपनी मैरिज लाइफ में खुश हैं और मैं ऐसे ही उसे फ्यूचर में भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो सबसे ज़्यादा टॉप में रहे, मेरे से भी ऊपर। मुझे कभी भी दुख नहीं है कि वो मुझे टक्कर देकर ऊपर चला गया है। मैं खुश हूँ कि मेरी हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये कहकर तंग की तरफ जंगकुक देखने लगता है। तब तंग जो रेड हो जाता है, तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करने लगता है। फिर कुछ देर बाद तंग और जंगकुक और उसके सन जो टेस्ट से नीचे आ जाता है। फिर आउट फंक्शन जब ख़त्म हो जाता है, तब सारे मीडिया की नज़र फिर से तंग और जंगकुक की तरफ था, क्योंकि अब यह सच में एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था। कोरिया के टॉप 2 बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ मैरिड है, इससे ज़्यादा और क्या उन लोगों के लिए एक रियल मोमेंट हो सकता है। तब तुरंत जाकर मीडिया के लोग फिर से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, पर इस बार सब लोग तंग के ऊपर जलस था और इस वजह से तंग के ऊपर अपने जलस से निकालने के लिए तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था। और तंग से एक रिपोर्टर पूछता है, तो फिर मिस्टर आप पहले किम थे और उसके साथ आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी थे और हम लोग को जितना दूर याद है मिस्टर जियोन जंगकुक की फियांसे जब उसे शादी के हॉल से छोड़ा था, तब मिस आयु शायद आपके लिए ही उसे छोड़कर चला गया था, राइट। तब यह सुनकर तंग जो क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब वो
वही रिपोर्टर फिर से कहे थे, तो फिर ये क्या हम लोग मनी की पावर समझ ले? क्योंकि मिस्टर जॉन तो ये प्रूव कर दिया है कि वो आपसे फुल हार्ट से प्यार करता है, और आप क्या करते हैं? क्योंकि मिस आयु से आप पहले तो प्यार किए, और उसके बाद उसकी मॉम डैड जब उसे निकाल दिया, तब अब उसे खुद जो छोड़ दिया, और उसके फ्यूंसे के साथ ही आप रिलेशनशिप में आ गए। आपको नहीं लगता कि आप उसे धोखा दिया है? तब जंगकुक जो गुस्से से अपने दांत को पीस तो ही कहते हैं, किसी ने भी धोखा नहीं दिया है। तब वो रिपोर्टर कहते हैं, पर मिस्टर जॉन हम लोग सिर्फ आपकी भलाई के बारे में ही बातें कर रहे हैं। अब आप दोनों के एक सन भी हैं, पर हम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा अगर आपसे भी कोई रिस्क पर्सन उसे मिल गया तो? तब ये सुनकर जंगकुक जो गुस्से से कहते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर वो मुझे कब का छोड़कर चला जाता, क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मुझे ना तो सीडवेस किया था, ना तो वो खुद जो मुझे उसके साथ रहने के लिए कोई भी ब्लैकमेल भी किया था। जो भी कुछ किया हो वो सब कुछ मैं किया हो, वो खुद आयु के साथ रहना चाहता था, पर यहाँ पर 30% मैं थी और मैं उन लोगों को अलग किया था। मैं उसे मेरे प्यार में पड़ने के लिए मजबूर किया हो। वो आयु को फुल हार्ट से प्यार करता था, जो मुझे पसंद नहीं था कि आयु क्यों मुझे छोड़ा है, और इस वजह से मैं उससे बदला लेने के लिए मैं उसके साथ थी। पर टाइम के साथ मैं उसके प्यार में गिर गई हूँ और अब हम लोग एक साथ हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता इसमें मेरी हस्बैंड की कोई भी गलती है। और बाकी रही उसकी बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ वो लाइफ में कुछ करे सिर्फ हाउस हस्बैंड बने रहने के अलावा, जैसे आप लोग कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है आप लोग आपकी वाइफ को हाउस हस्बैंड ही बना कर रखना चाहते हैं और उन लोगों को वर्ल्ड नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ कैप्चर करके सिर्फ रूल्स के ऊपर रूल्स छपा कर देना चाहते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे पूरे वर्ल्ड दिखाना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हुए पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, ना कि उसे सिर्फ घर में बंदी बनाकर रखना चाहती हूँ। वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस होना चाहिए कि वो एक टाइम पर मुझे छोड़कर भी सांस सकता है। मैं उसे इतनी ही ज़्यादा सक्सेस देना चाहती हूँ ताकि वो कभी भी मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे और हमेशा सिर्फ खुश रहे, उसकी जो मर्जी वो कर सकता है। पर मैं उसे उसकी लाइफ की हर एक खुशियाँ दूंगी जो भी उसकी ज़रूरत है, ना कि मैं उसे बंदी बनाकर रखूँगी। मैं पास्ट में उसके साथ गलती क्या हो, पर मैं दोबारा नहीं कर सकती हूँ। और बाकी रही आयु की, वो अब किसी और के साथ खुश है, तो फिर मुझे नहीं लगता इस बात पर आप लोगों को बातें करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आयु बातें कर सकता है, जो 5 ईयर पहले ही बातें हो चुका है और वो तैंग को हैप्पीली छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी तैंग की खुशियाँ चाहता है। तो फिर मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन पर मुझे और कोई भी आंसर करना चाहिए। तब ये सुनकर तैंग बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था। तब और एक रिपोर्टर कहता है, पर मिस्टर जॉन अब गलत सोच रहे हैं, आपके हस्बैंड अगर इतनी ही ज़्यादा अच्छा है तो फिर उसे आप हाउस हस्बैंड क्यों बनाने के लिए नहीं कहते हैं? अगर वो आपके ऊपर चला जाएगा, तब आपको नहीं लगता है वो आपको छोड़कर चला जाएगा? जैसे आपने कहा था कि वो आपको छोड़कर चला भी जा सकता है, तब आप क्या करेंगे? तब जंगकुक कहते हैं, लाइफ ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही इंसान के लिए हजारों साल तक फील रखेंगे। अगर फीलिंग ट्रू है तो फिर हजारों साल क्या, हम लोग मिलियन साल भी एक ही इंसान के लिए सेम फील रखेंगे। पर फीलिंग अगर ट्रू ना हो तो फिर वो कैसे टिक सकता है? वो शायद मुझे नहीं लगता 10 ईयर भी टिक सकता है। तब ये सुनकर सारे रिपोर्टर की माउथ बंद हो जाता है। तब जंगकुक स्माइल कर तो ये कहते हैं, अगर ये सारे बकवास के क्वेश्चन पूछना हो गया है तो फिर अब मैं क्या मेरी हस्बैंड और मेरी सन को लेकर जा सकती हूँ? तब ये सुनकर सब लोग जो रास्ता बना देता है। तब तैंग की उसके अंदर जंगकुक अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपने दूसरे हाथ से अपने सन को पकड़ते हुए उन लोगों को लेकर जाने लगता है। तब तैंग सिर्फ स्माइल कर रहा था। फिर वो लोग जब कार में बैठता है तब वी जो तुरंत तैंग की गोद में बैठ जाता है। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, ठीक हो? तब तैंग कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अगर एक इतनी ज़्यादा से पर्सन मेरे साथ रहेगा तो फिर मैं कैसे ठीक नहीं रह सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं जैसा कहा था मैं अप्रूव क्या हूँ ना खुद को। तब तैंग कहते हैं, अभी भी नहीं, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए। तब जंगकुक कहते हैं, फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं होगा। तब ये सुनकर तैंग सिर्फ स्माइल करता है और कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर अब ट्रस्ट करती हूँ।
दस्तावेज सुनकर जंगू खुद भी स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद के ऊपर से भी ज्यादा ट्रस्ट करते हो। तब ये सुनकर तंग के फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है। फिर वो कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगू खुद भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ ना, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा और तुमसे भी ज्यादा करती हूँ। तब ये सुनकर तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहते हैं, क्या करते हो। तब जंगू कहता है, लव करती हूँ और रात में लव मेकिंग भी करती हूँ। तब तंग जंगू के सिर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं, चुप रहो। तब जंगू कहते हैं, क्यों, मैं क्या झूठ कहा हूँ, हम लोग रात में लव मेकिंग नहीं करते हैं। तब तंग कहते, चुप रहो, तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो। तब जंगू कहते अपने माउथ से। तब तंग कहते, तुम सच में बुरा पर्सन हो। तब जंगू जो स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं हूँ। तब तंग कहते, तुम सच में बहुत ही गंदा इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगी। तब जंगू तंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसके हाथ पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं अगर तुम्हें गुस्सा दिला दिया हो तो, पर इस सच तम और मैं सच को बिल्कुल भी अब तो झूठ में बदल नहीं सकती हूँ, और इस वजह से मैं कह रहा था, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बुरा लगा है, मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है पर कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगू कहता है, मुझे आंसर करो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह दिया था। अरे कहकर ओम जो उसकी तरफ नहीं देखता है। तब जंगू सिर्फ स्माइल करने लगता है और यहाँ पर एफ खत्म हो जाता है।